सर दिख रहा है लाइट आ ना, रहा है विजिबल बोर्ड है के ना, बीच में, लाइट आ रही है काला काला सर। दिख रहा है मुझे नहीं, वो तो तो सर काला लाइट काला दिख चली रहा है गई है ऊपर और इसकी वजह लाइट से भी है गड़बड़ हुआ है। सर। नो इट्स विजिबल। एक मिनट रुको, मैं कुछ करता हूँ, एक मिनट रुको। आप ठीक है? यस सर। ओके। सो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, ज्यादा मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा। आप लोगों ने बचपन से नंबर्स तो पढ़े हैं, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम लेट्स से नेचुरल नंबर। सो व्हेन वी से नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स इट मींस व्हाट? एग्जांपल्स देते जाओ आप मुझे। 1, 2, 3, 4, 5 1 टू इंफिनिटी। One to infinity. Okay, one to infinity is natural number. Okay, then whole numbers? 0 to infinity. 0, 1, 2, 3, like that again up to infinite. ठीक है? Then integers. Integers. Sorry, integers means what? Negative and positive numbers. Negative and positive numbers. Center is zero. Negative. -3, -2. Negative and positive numbers. So. Like that. Yes. Correct? Yes, sir. Okay. अच्छा मुझे अब ये बताओ आप लोग कि इट मींस वी कैन से दैट इन इनफैक्ट एक टॉपिक आपने अभी भी स्टार्ट किया था पढ़ना एंड बैच 2 में एंड 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था सेट्स, टॉपिक पढ़ा था सेट्स, राइट? तो उसमें आपने पढ़ा था सबसेट, सुपर सेट, ऐसा कुछ तो आपने पढ़ा था। सो अगर इसके तरह देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंगली आप देखोगे तो वी कैन से दैट नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, राइट और रॉन्ग? यस सर। यस सर। सबसेट का थ्योरी क्या था बैच 2 में तो कम्प्लीटली, अभी वापस पढ़े हैं तो उनको याद आना चाहिए। व्हेन वी से नेचुरल इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर इट मींस व्हाट एग्जैक्टली? व्हाट अपना ये टॉपिक नहीं है, मैं जस्ट एक जनरल आपसे पूछ रहा हूँ। Natural is a subset of whole number means what? All the natural numbers are included in whole number. Hello. Correct. It means all the numbers which is in natural number is included in whole numbers. That's why we can say natural is a subset of whole numbers, right? यही होता है. And similarly, we can say whole is a subset of integers, right? ये भी possible है. एक ही बात है क्योंकि होल के सारे एलिमेंट्स इंटीजर्स में आ जाएंगे, दैट्स व्हाई होल इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, करेक्ट है? तो अब ऐसा अगर मैं आपको बोलूं रियल नंबर्स में आप लोग क्या लेके आ जाओगे, क्या एग्जांपल्स दोगे आप रियल नंबर में? रियल नंबर्स के एग्जांपल्स क्या दोगे आप, प्लीज फटाफट दो जो दे सकता है। Anyone? Real number से तो आपने पूरा टॉपिक पढ़ा हुआ है अलग से, फिर तो क्यों सोचना? आपने वीडियोस बंद कर लिया या तो कुछ तो मोबाइल पे अलग कुछ तो चालू है, वीडियोस ऑफ दिख रहे हैं रोहित, सोहम,
सृष्टि, यश, नलावड़े, ये सब लोग वीडियोस गायब दिख रहे हैं, मतलब समझ में आ रहा है हम लोगों को? क्या बोलने का भाई? रियल नंबर्स के कोई एग्जांपल्स नहीं मिल रहे हैं? अरे बाबा ऐसा मत करो प्लीज, अभी मतलब ये तो आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं। कोई नहीं बोल रहा है रियल नंबर इज बेसिकली समथिंग लाइक एवरी नंबर कम्स इन विद अ नंबर 1 2 3 एंड आई गेट अ पॉजिटिव ओके 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 सो इन जनरल आप ऐसा बोलना चाहते हो कि जो भी नंबर्स आपने अब तक पढ़े हैं वो सबके सब रियल नंबर्स हैं, ऐसा बोल सकते हैं? ठीक है, अब मैं इसमें ना थोड़ा समय इसके लिए थोड़ा पॉज करता हूँ, मैं कुछ अलग पॉइंट पे जाता हूँ, आप लोग मुझे बताओगे व्हाट इज द नीड ऑफ अ न्यू नंबर। ओके, उसके बेसिस पे मैं कुछ पॉइंट्स पे जा रहा हूँ एंड देन आगे बढ़ते हैं। आप सपोज आप छोटे बच्चे थे, फर्स्ट टाइम आपने नंबर्स पढ़ना स्टार्ट किया और आपने नेचुरल नंबर, जो मैं बोल रहा हूँ प्लीज ध्यान से सुनो और फिर आंसर देना। आप फर्स्ट टाइम मैथ्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, सपोज छोटे बच्चे हो, आपको नेचुरल नंबर्स पढ़ाया गया और आपको बोला गया 1 2 3 4 5 6 ऑल दीज आर नेचुरल नंबर्स अप टू इनफाइनाइट, करेक्ट है? और आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन इज x belongs to natural number, integer लिख रहा हूं, sorry, x belongs to natural number and x plus 5 is equals to 3, find the value of x, अब क्या करोगे? कोई बता सकता है? राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड, और 3 माइनस 5 ठीक है तो हाँ नेक्स्ट माइनस टू एक्स विल बी माइनस टू माइनस टू सर ओके 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 अभी जरा मेरी बात सुन लो, आप लोग या तो मेरी बात ध्यान नहीं दे रहे हो तो आप समझ नहीं रहे हो, दो चीजें हैं। सो नाउ यू आर सेइंग दैट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू, बट बच्चा अगर आपने ध्यान दिया मैंने आपको क्या बोला, मैं आपको बोला कि आपने अब तक सिर्फ नेचुरल नंबर पढ़ा है, आपको आगे कुछ मालूम नहीं है। यहां मैं लिख चुका हूं x belongs to what? Natural number. तो क्या आप ये सजेस्ट कर रहे हो कि माइनस टू नेचुरल नंबर है? नो सर। तो ये मुझे ये बोलना चाहता है कि x नेचुरल नंबर है? आर्यन जवाब दो बच्चा, आराम, बहुत दूर दिख रहे तू। कोई ये सजेस्ट कर रहा है क्या माइनस टू नेचुरल नंबर है? नो सर। आप देखोगे मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, प्लीज समझो, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि when x belongs to natural number, in that case, ये जो पर्टिकुलर examples है इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा, इसका सोल्यूशन नहीं मिल सकता। रीजन जो आंसर मिल रहा है वो नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब इसका सोल्यूशन नहीं मिल सकता, खत्म हो गई बात, क्योंकि मेरा कंडीशन क्लियर है x belongs to natural number। ओके, मतलब इस टाइप के एग्जांपल्स में मैं आप ऐसा बोल रहा हूं कि इस टाइप के एग्जांपल्स में नेचुरल नंबर फेल हो रहा है आंसर देने के लिए, मतलब मुझे एक नए नंबर्स की जरूरत है। तो नए नंबर्स की जरूरत है तो सपोज मेरा नया नंबर सपोज आ गया इंटीजर, तो अगर मैं इंटीजर बोलूंगा देन x is equal to minus 2 is correct. When x belongs to integer, then the solution is x equals to minus 2, since minus 2 is an integer, right? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. अब मैं आपको एक example दे रहा हूं. X belongs to integer. X belongs to integer. And 3x plus 2. 3x plus 2 is equals to 7. Find x. क्या आएगा? सर 2 को उस साइड लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड। ये बड़ा इजीली बोल देता है, तू आंसर बोल ना भाई। 5 / 3। अच्छा सर 3 x will be 5 / 3। 5 / 3
पाई अपॉन थ्री वापस आपने पाई अपॉन थ्री तो बोल दिया, लेकिन मैंने बोला था एक्स इंटीजर है, तो क्या आप चाहते हो फाइव बाई थ्री इंटीजर है? हेलो हेलो हेलो, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बचपन से, उसके बाद आपका फेस बता रहा है कि आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे देख रहे हैं कि पता नहीं कुछ तो नई बात हो रही है, जबकि एकदम छोटी छोटी बात है। नंबर्स आपको नहीं पता, सोच के देखो so, आप। यस सर, रियल नंबर्स कैन बी रैशनल और इरेशनल नंबर्स? यस साक्षी, वेट मैं उस पे आ रहा हूँ, मैं उस पे आ रहा हूँ। मैंने रियल के बारे में कुछ यहाँ पे लिखा ही नहीं, आप ध्यान दो, मैं उस पे आ रहा हूँ। मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ प्लीज समझो, आप लोग टेंथ पास कर चुके हो, सही है? Yes, sir. अब तो उसमें ऐसा सोच रहे हो जैसे उसमें डाउट है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्लियरली आप टेंथ पास कर चुके हो, रिजल्ट मिल चुके हैं। अभी मुझे बताओ कोई, अब उसमें भी अच्छे अच्छे परसेंटेज आपको इस बार मिले हैं, तो अगर मुझे बताओ कोई नेबर का स्टूडेंट आएगा 8-9 स्टैंडर्ड वाला और आपको ऐसा रियल नंबर वाला क्वेश्चन पूछेगा, एंड देन आप लोग वहां पे ऐसा क्वेश्चन मार्क में खुद बैठ जाओगे, तो वो क्या करेगा, आपको क्या लगता है? अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आ चुका है, 12th स्टैंडर्ड का साइंस का, आपको मालूम है कितना अच्छा रिजल्ट आया है, राइट? तो सपोज आप में से कोई स्टूडेंट जाता है जिसको 98% मिला है, उसके पास जाता है, उसको सेम क्वेश्चन पूछता है और उसको नहीं आया, तो आप क्या करोगे, सच बताना? कोई नहीं बोल रहा भाई, 95%+ पाने वाले स्टूडेंट के पास आप जाते हो, आप एक क्वेश्चन पूछते हो सिंपल सा जो 8th, 9th, 10th का है और उसको नहीं आता है, तो आप क्या करोगे? इतना मत मासूम बनो, कुछ ना कुछ तो करोगे, चुप नहीं बैठोगे, मुझे मालूम है। उसको कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन घर पे आने के बाद पहले पेरेंट्स को बताओगे और फिर पूरे गांव को बताओगे, तो उसको 95 ऐसे ही मिल गया, उसको कुछ नहीं आता, हाँ या ना? फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करोगे कि नहीं करोगे? यस और नो? यस सर। यस सर। तो जैसा हम दूसरों के लिए करेंगे, कोई हमारे लिए भी कर सकता है कि नहीं ऐसा, अगर हमने आंसर नहीं दिया तो? Yes, अब बात समझ रहा हूँ, मैं पढ़ने का आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आप लोग जो पढ़ते हो ना, पढ़ने का तरीका चेंज करो, प्लीज समझो। हम रियल नंबर्स पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर डाउट में है, इट मींस कि हम उस मोमेंट पे एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई किए थे, उसके आगे हमने सोचा ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं आप में से किसी को बोलूं, मैं अब यहाँ से थोड़ा डाइवर्ट हो चुका हूँ, आप में से किसी को बोलूं 2.5 क्या है, 2.5 कौन सा नंबर है, आपके पास एग्जांपल्स है, नेचुरल, होल, इंटीजर, रियल, 2.5 इसमें से कौन सा नंबर है? रियल नंबर। रियल नंबर। 2.5 इज ऑफ कोर्स इट इज अ रियल नंबर, बट क्या ये इंटीजर नहीं है? रोहित, हेलो, मैं अब नाम लेके पूछता हूँ, रोहित 2.5 रियल नंबर है क्या, इंटीजर नहीं है? रियल नंबर है। हाँ, ऑफ कोर्स रियल नंबर है, लेकिन क्या इंटीजर नहीं है? है। अब बात समझ रहे हो, अगर मैं बोलता हूँ 3, हाँ 3 क्या रियल नंबर है कि नहीं? है ना, इंटीजर भी। इंटीजर भी है, नेचुरल है कि नहीं? नेचुरल भी है। नेचुरल भी है, पक्का श्योर है ना ये सब चीजें? तो उसी तरह से मैं पूछ रहा हूँ, 2.5 रियल है, तो क्या ये इंटीजर है? नहीं, ये इंटीजर नहीं है। पर इंटीजर है। इंटीजर है कि नहीं है, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो। सर है। है। उपाध्याय जी, कोई आंसर है इस पे? नहीं सर, वो इंटीजर नहीं है। Sir, it's not integer. Integer नहीं है,
लेकिन आप लोग ये देख रहे हो कितने बड़ा कंफ्यूजन है, आप देख रहे हो सर ये इरेशनल नंबर है। करेक्ट, यही तो बात है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप लोग पास तो हो रहे हो लेकिन समझना नहीं है। स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, व्हेन वी से नेचुरल नंबर इट मींस ओनली 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दैट अप टू इनफाइनाइट। डेसिमल वैल्यू ये सब जो भी डेसिमल वैल्यूज आएंगे वो सब नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक। सिमिलरली अगर मैं होल नंबर बोलता हूँ तो नेचुरल और होल में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, बाकी सेम एज नेचुरल नंबर। अगर मैं इंटीजर बोलता हूँ तो इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें हम लोग निगेटिव की तरफ भी जा रहे हैं पॉजिटिव भी जा रहे हैं, बट इसमें भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आ रहा है, डेसिमल वैल्यूज नहीं इंक्लूड होंगे। बट व्हेन वी से रियल नंबर, रियल नंबर इट मींस ऑल नंबर्स जो आपने अब तक पढ़ा हुआ है, इट इंक्लूड्स ऑल नंबर्स लाइक फ्रैक्शनल वैल्यू बोलो, रूट वैल्यू बोलो, रैशनल इरेशनल जो भी आप समझ सकते हो, ये सारे वैल्यूज रियल नंबर्स में आ जाते हैं। समझ में आ रहा है थोड़ा सा? अब मैं वापस पुराने पॉइंट पे आता हूँ, मुझे फटाक से कॉम्प्लेक्स नंबर में आना है, ये सब बाहर की चीजें हो रही है। So, मैंने बोला था यहाँ पे x belongs to integer है and then find the value of x for this equation. तो आप देखोगे कि for this equation when x belongs to integer actually solution does not exist. क्योंकि जो 5/3 आप लोग देख रहे हो 5/3 is not integer. ठीक है? Yes sir. Yes sir. मतलब यहाँ पे इस particular case में integer fail हुआ, integer fail हुआ तो अब एक नया number चाहिए. Let that number be real number, x belongs to r, और मैं x belongs to r बोलूंगा तब इसका solution x equals to 5/3 है। Now this is correct, but मतलब एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा था। एक स्टेज पे नेचुरल नंबर फेल हुआ तो हमने इंटीजर्स को लाया, यहाँ इंटीजर फेल हुआ हम रियल नंबर्स के पास जा रहे हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रियल नंबर्स भी फेल हुआ इसलिए तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब रियल नंबर कहां पे फेल हुआ ये आपने पढ़ा है, किसी को याद है? आपके 10th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद आ रहा है किसी को? याद रहना चाहिए, अभी भी तुम लोग पढ़ रहे हो सीटी के लिए तो इतना तो याद रहना चाहिए, करेक्ट। तो अगर आपको थोड़ा सा और याद होगा जब हम लोग फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करते थे तो वहां पे फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने के लिए हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करते थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac और देन इसकी स्क्वायर रूट फाइंड करते थे, याद है किसी को? यस सर, यस सर। और अगर सच में याद होगा तो आपको याद आना चाहिए कि जब स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव आता था, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac या बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निगेटिव आती थी तो आगे आप उसको सॉल्व नहीं करते थे। यस सर, यस सर, यस सर। ऐसे एग्जांपल्स आपको मिले होंगे व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज निगेटिव उसके आगे हम सॉल्व नहीं करते थे, उसका क्या रीजन देते थे किसी को याद है? नॉट अ रियल नंबर, नॉट अ रियल नंबर बोल के आगे बढ़ जाते थे। फॉर एग्जाम्पल If suppose we have x plus 4 equals to let's say 3, x plus x square plus 4 is equals to 3. So x square equals to what? Minus 1. Correct? Yes sir. हम लोगों को सिखाया गया है, हम लोगों को अब तक सिखाया गया है square of real number cannot be negative. Square of real number cannot be negative. Yes or no? बट यहाँ तो मुझे दिख रहा है कि भाई x का स्क्वायर नेगेटिव है, तो जो हमने पढ़ा कि स्क्वायर ऑफ रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव और यहाँ पे x का स्क्वायर नेगेटिव है, दैट मींस दिस इज नॉट रियल नंबर, करेक्ट। तो इसको कैसे लिखोगे?
इसको लिखोगे एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन, ठीक है। अब क्या किया गया है, अब आपको नई चीज समझनी है। अब आपको क्या किया गया है, जो नया नंबर्स आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो कैसे आया, उन्होंने क्या किया, ये जो वैल्यू आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन, इसको अज्यूम किया और इसको एक नया नाम दिया, नया नोटेशन स्मॉल आई, स्मॉल आई, एंड दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। स्मॉल आई क्या है, इमेजिनरी नंबर है, जिसको एक और चीज बोलते हैं अयोटा, इसका नाम है, ठीक। स्मॉल आई इज नथिंग बट इमेजिनरी नंबर, और यू कैन से अयोटा हुज वैल्यू इज स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन। मतलब अगर मुझे सपोज ऐसा मिलता है x square equals to let's say square root of minus 7, ऐसा कुछ मिला square root of minus 7, तो minus 7 को कैसे लिखोगे आप लोग, इसको आप लिख सकते हो this is nothing but 7 into minus 1, this is also equals to, and again ये value क्या है, कहाँ पे ब्रेक हुआ भाई, ये सारे पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए सर, बीच में हुआ थोड़ी देर, थर्ड वाले पे हुआ सर ब्रेक। ओके ओके ओके, तो मैं आपको, अच्छा मैं आपको सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन वैल्यू इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई विच इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर और अयोटा। अभी तक आपको सिर्फ मैंने ये समझाया है, ठीक, यस सर, इतना क्लियर है सबको, यस सर। मतलब अब आप एक बात समझो, अगर आपको कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन दिखा, स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी माइनस साइन दिखा, तो आप समझ जाओ वहां पे आई छुपा हुआ है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज देन व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, अब वो हम समझ रहे हैं। ये देखो सुहेल को तो अच्छा खासा बोरियत हो रही है, बेचारे को नींद आ रही है, इतना जल्दी पक गया सोहेल। देखो व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एनी नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी, एनी नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी इन व्हिच ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब अब तक आपने जो भी नंबर्स पढ़ा है वो सबका सब रियल नंबर था, तो उसमें ए और बी उसी में से कुछ ना कुछ तो रहेगा, और आई क्या होगा, ऑफ कोर्स आई की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन है, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल जेड से, जनरली स्मॉल जेड से दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, ऐसा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा दिख सकता है, सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर 1 3 + 2y, या ऐसा दिख सकता है रूट 3 + 5/7i, या ऐसा दिख सकता है -3/2 - √7i। आप बात को समझ रहे हो, आपका a और b क्या रहेगा, कोई ना कोई रियल नंबर रहेगा जिसके बारे में आज तक आपने पढ़ा है, ठीक। तो इस टाइप के जो नंबर्स आपको दिखते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एज वेल एज दिस इमेजिनरी नंबर। हेलो, यस सर, यस सर, सिंपल है, इसमें कुछ नई चीज नहीं है, आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, बट इसमें कुछ ऐसा बात नहीं हुआ कि आपको कंफ्यूज होना चाहिए, बट फिर भी कहीं लगता है कि नहीं ये कंफ्यूजन है तो पूछ लो।
कोई ऐसा कुछ पूछना है? No, sir. सर एक बार फिर से बताओ ना। मैंने बोला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा दिखेगा। और अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन बोर्ड पे नहीं है तो फिर कंफ्यूजन होगी, क्योंकि मैं कई लोगों को देख रहा हूँ, कंटिन्यू देख रहा हूँ कि आप लोग हो लेक्चर में लेकिन लेक्चर में नहीं हो, घर में किसी ना किसी से इंट्रैक्शन होते रहे, कंटिन्यूअसली आपका ध्यान इधर से उधर जाता है और फिर बोलोगे मैं अभी क्या बोल रहा हूँ वापस समझो। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी इन विच ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अब भी हमने देखा था रियल नंबर मतलब क्या, जो भी नंबर आपने पढ़ा है एक्सेप्ट स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन, ये छोड़ के जो भी नंबर आपने पढ़ा है सबके सब रियल नंबर। तो इसमें से कोई भी नंबर यहां दिख सकता है आपको इस तरह से, और आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा दिख रहा है ए प्लस आई बी। मतलब अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर बोलता हूं फर्स्ट वाला, तो इसमें ए क्या है थ्री, बी क्या है टू, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में ए क्या है रूट थ्री एंड बी फाइव बाई सेवन, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में ए क्या है माइनस थ्री बाई टू एंड बी माइनस रूट सेवन। ऐसा आप कोई भी एग्जांपल ले लो, कुछ भी ले सकते हो, रूट थ्री बाई टू प्लस फाइव बाई नाइन आई, इट मीन्स ए इज दिस बी इज दिस। कुछ समझ रहा है? यस सर। बट अगर इतना अच्छे से समझा तो अब कुछ मिनट और फोकस करो, अब छोटी सी चेंजेस आएंगे इसमें। क्लियर कंडीशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी इन विच ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर। यही डेफिनेशन है? यस सर। ठीक तो क्या आप लोग ये भी तो जानते हो कि जीरो जो है, जीरो क्या जीरो रियल नंबर नहीं है? है ना, जीरो रियल नंबर है, ऑफ कोर्स है ना। हेलो, फिर कंफ्यूजन क्यों, चुप बैठ गए सब लोग? ऐसा तुम लोग लगता है ना डाउट में हो, मतलब खुद ही क्लियर नहीं हो कि सच में ये चीज क्या है। अगर कॉन्फिडेंस रहेगा तो फटक से आंसर दोगे हाँ है सर। अरे अभी हमने देखा ना, रियल नंबर इंक्लूड्स ऑल द नंबर्स एक्सेप्ट ओनली वन थिंग, जो अभी आपने नया पढ़ा, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन छोड़ के बाकी जो भी है सबका सब रियल नंबर है। सर बोलो। हाँ सर, मतलब अगर आपने बोला कि माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन छोड़ के, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ माइनस फाइव माइनस टू ये सब भी होगा? स्क्वायर बच्चा, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस टर्म आ गया, मतलब वहां पे मैंने अभी भी बताया कि वहां पे इमेजिनरी नंबर छुपा हुआ है, बराबर? हाँ अगर सपोज उपाध्याय जी, अगर स्क्वायर रूट ऑफ माइनस फाइव आ गया तो उसको आप कैसे लिखोगे? ऐसे ही लिखोगे ना? उपाध्याय जी सुन रहे हैं मेरी बात? हेलो। यस सर। हाँ, तो अगर ऐसे लिखोगे तो ये जो पार्ट है, ये वापस ये वाला पार्ट आपका इमेजिनरी है, ये तो आपका रियल नंबर ही है, रूट फाइव आपका रियल नंबर है। समझे कि नहीं? या मैं कुछ और आप मुझसे पूछना चाहते हो तो पूछो, नो प्रॉब्लम। नहीं सर, मतलब कि वो मतलब रूट वन माइनस वन की जगह आई आ जाएगा ना? हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन इज आई, ये चीज आपको अभी इस टॉपिक के लिए एकदम से फिक्स करके बांध के रख लेना है। ओके सर। हाँ, अब मैं आगे आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा था कि मैंने बोला मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी है, इन दिस ए प्लस आई बी ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर, और मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं ए और बी दोनों को रियल नंबर बोलता हूं तो मुझे पता है कि अरे जीरो भी रियल नंबर होता है, तो
तो अगर मैं बोलता हूँ जीरो रियल नंबर होता है तो ऐसा सिचुएशन क्यों नहीं बन सकता कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ ऐसा दिखेगा? ऐसा दिखने का मतलब क्या हुआ, किस कोई बोल सकता है आप में से? बेस इज इक्वल टू जीरो। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसा दिखने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये वाला टर्म नहीं दिख रहा है, ये वाला टर्म नहीं दिख रहा है, इट मीन्स योर बी इज जीरो। हेलो, यस सर, यस सर। सो व्हेन जेड इज इक्वल्स टू ए, व्हेन जेड इज इक्वल्स टू ओनली ए, इट मीन्स योर बी वैल्यू इज जीरो। और इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसमें बी वाला टर्म गायब है उसको बोलते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि उसमें आई वाला टर्म गायब हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो, मैं वापस बोल रहा हूं, ए और बी आपका रियल नंबर था जिसमें से बी यहाँ पे जीरो हो गया, तो ए आपका कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब सपोज जेड का एग्जाम्पल हो गया थ्री, जेड का एग्जाम्पल हो गया माइनस फाइव, जेड का एग्जाम्पल हो गया माइनस रूट, ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, जेड का एग्जाम्पल हो गया माइनस थ्री बाई टू, ऐसा कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये सारे के सारे रियल नंबर है। yes, sir. मतलब एक चीज और समझा, एक चीज और समझा, ये जो आपका थ्री है ये नेचुरल नंबर है, यस यस सर, ये होल नंबर भी है, ये इंटीजर भी है, ये रियल नंबर भी है, और ये एग्जांपल में देख लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। मतलब आज के डेट में अब जब आप पढ़ रहे हो आपके लिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा मिला? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ सुपर सेट ऑफ ऑल नंबर्स। अब तक आप क्या पढ़ रहे थे? रियल नंबर इज अ सुपर सेट ऑफ ऑल नंबर्स, रियल नंबर में सारे नंबर्स आ रहे थे, लेकिन अब भी हम देख पा रहे हैं कि अरे कॉम्प्लेक्स नंबर में अब सारे नंबर्स आ रहे हैं। सो जो मैं आपको बिगनिंग में बता रहा था, नेचुरल इज अ सबसेट ऑफ होल, होल इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रियल, नाउ रियल इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। हेलो, यस सर, फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस मतलब व्हेन बी इज इक्वल्स टू जीरो। तो ऐसा भी तो हो सकता है स्टूडेंट्स, आप सोच सकते हो कि अरे ए भी तो जीरो हो सकता है, yes, sir. ना? जब ए और बी दोनों रियल नंबर है तो yes, ऐसा sir. भी तो हो सकता है कि ए जीरो हो जाए, तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा दिखेगा, ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, इट मीन्स ए की वैल्यू जीरो है। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि यहाँ पे रियल वाला जो पार्ट था ए वो गायब है, दैट मींस ए इज जीरो, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साथ बच गया, तो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सब कोई लिखते जा रहा है कि नहीं? यस सर, यस सर, लिख सकते, मैं बहुत स्लो चल रहा हूं। सो अब आपका इसका एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं, लाइक टू आई माइनस फाइव बाई थ्री आई रूट सेवन आई, ऐसा अगर ऐसा एग्जाम्पल सब दिख रहा है मतलब आप समझ जाओ कि ए की वैल्यू जीरो है। एंड देन ऑफकोर्स थर्ड केस भी आएगा, थर्ड केस क्या आएगा, हो सकता है ए और बी दोनों जीरो हो जाए, ए और बी दोनों जीरो हो जाए, अगर दोनों जीरो हो जाएगा तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बचा फिर, क्या बचा फिर? जीरो, ऑफकोर्स जीरो, जीरो, दोनों जीरो हो गए तो जीरो ही बचेगा ना, कुछ बचा ही नहीं, इट मीन्स जीरो इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये समझना है आपको, जीरो होल नंबर है इंटीजर है, रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। यस सर, ठीक, यस सर, सर। हाँ, सो अब तक में हमने पढ़ा, फर्स्ट थिंग, कॉम्प्लेक्स नंबर इज
a plus ib in which a and b both belongs to real number. उसमें हमने देखा फर्स्ट केस इफ बी इज जीरो देन कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल देन ए इज जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी एंड इफ बोथ आर जीरो इट मींस कॉम्प्लेक्स नंबर इज जीरो. यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. ठीक है क्लियर है. यस सर. यस सर. ओके 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 ओके. अब मैं जा रहा हूँ एक छोटे से पॉइंट आपके वापस नाइन्थ स्टैंडर्ड में. आप लोगों ने नाइन्थ स्टैंडर्ड में आप अलजेब्रा में एक टॉपिक शायद पढ़े थे सर्ट्स. याद है किसी को? यस सर. तो जब आप सर्ट्स पढ़ रहे थे तो आपको वहां पे सिखाया गया था कि whenever you will see root sign, square root in a denominator, please remove it. याद है किसी को? Yes sir. Yes sir. Yes sir. और तब से आपने, जब भी आपको कोई भी सम में, सिर्फ वो टॉपिक में नहीं, किसी भी टॉपिक में कोई भी सम सॉल्व कर रहे हो, जैसे ही डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट दिखता है हम उसको तुरंत कॉन्जुगेट करते हैं. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. मेरे ख्याल से इतना तो याद होना चाहिए. कॉन्जुगेट करते हो ना? Yes sir. Yes sir. Sir. अच्छा तो अब मुझे एक बात बताओ, अब आपको क्या समझना है? जो बेसिक चीजें आपने नाइन्थ में पढ़ा था वही याद रखना है. नाइन्थ में आपको जैसे सिखाया गया था कि कभी भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट दिखा तो आप उसको कॉन्जुगेट करके हटा दोगे. तो बच्चों एक बात तो समझो, अभी जो हमने देखा आई इमेजिनरी नंबर, इसकी वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन है. ठीक. यस सर. यस सर. स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन मतलब स्क्वायर रूट तो है ना, रूट तो ये भी है. yes, बात समझ में. हाँ, इसका मतलब अब आपको क्या ध्यान देना है कि अब अगर किसी भी सम में डिनोमिनेटर में आई दिखा डिनोमिनेटर में तो वापस उसको कॉन्जुगेट करना है. क्यों कॉन्जुगेट करना है? क्योंकि आई इज नथिंग बट स्क्वायर रूट. तो जैसे आप नाइन्थ में करते थे सेम चीज यहां करना. ठीक. और आप नाइन्थ में क्या करते थे? सपोज आपका एग्जांपल है 2+√5, कॉन्जुगेट कैसे करते थे कोई बताएगा? Multiply and divide by what? 2+√5. Hello. Multiply and divide by what? √5. कोई तो आंसर. -√5. आप लोग नहीं दोगे तो मुझे पूछना पड़ेगा. मैं नाम लेके पूछूंगा फिर. कॉन्जुगेट कैसे करते थे नाइन्थ स्टैंडर्ड? आप टेंथ के पास हो चुके हो, टेंथ सीईटी देने वाले हो, कॉन्जुगेट कैसे करते थे आप सोच रहे हो? मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2+√5 ऑन बोथ द साइड. कंफ्यूजन में सब लोग बात कर रहे हैं. मतलब मैक्सिमम आंसर तो रॉन्ग है, रेयरली कोई करेक्ट बोलते हैं धोखे से. क्रिश तू है वहां पे? क्रिश 1, 2, 3. हेलो क्रिश, लेक्चर में है कि नहीं तू? वाओ दैट्स ग्रेट. बच्चा लेक्चर में है कि नहीं ये भी नहीं पता. अब भी आंसर नहीं दे रहा है तो तुरंत लेक्चर के बाद कॉल आ जाएगा घर पे, समझ जा, मजा आएगा फिर. सिद्धेश किटे, सिद्धेश वहां पे है तू कि नहीं? ये आदतें अगर आपकी हैं तो फिर बहुत मजा आने वाला है हमारे साथ.
रितेश बोल भी सकता है, बोलने में क्या प्रॉब्लम है? रितेश सही है, सही सही, परफेक्ट। आता कौन लगता रू मी आंसर देईल का स्वतःहून आंसर देणार आहेत का? स्वतःहून कोणी? अच्छा चेतना बोल। आवाज नाही आ रही है माइक चेतना, आवाज नाही आई। 39 / √5 ओके। आयुष दुबे जी आप बोल सकते हो कुछ? यस सर। क्या करें, कॉन्जुगेट करना मतलब क्या होता है सर? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय व्हाट? बाय √5। अभी अगर क्लासरूम में मेरे सामने होते ना मजा आ जाता, ऑनेस्टली बोलता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, वापस गड़बड़ कहाँ हो रही है मैं समझ रहा हूँ। गड़बड़ ये हो रही है कि आप याद करने की कोशिश कर रहे हो कि एग्जैक्टली वो क्या था, बट वो ये मेथड ही रॉन्ग है। अगर आप याद करने की कोशिश कर रहे हो, आपको ये समझना था कॉन्जुगेट करने का मीनिंग क्या है, वो क्यों करते हैं पहले, वही नहीं पता तो मतलब क्या है? आप याद कर रहे हो, मीनिंग नहीं पता याद कर रहे हो, तब तो ऐसे चीजों में फंसोगे। Please try to understand when we say to conjugate any value, इसका मतलब उसका purpose, उसका use एक ही है। अगर मुझे यहाँ पे इसका conjugate find करना है, मतलब मेरा purpose यह है कि भाई ये जो square root यहाँ दिख रहा है ये कैसे गायब होगा, ये कैसे गायब होगा, ये मेरा purpose है। Denominator से मुझे ये square root को भगाना है, ठीक? तो ये मेरा एक टारगेट है, मेरा एम ये होना चाहिए। और इसके लिए, इसके लिए जो लोग ने जो भी आंसर दिया एक्स वाई जेड, कुछ भी आंसर आप लोगों ने जो भी दिया है, आप जरा अपने अपने एग्जांपल से ट्राई करके देखो रूट भागेगा क्या। जैसे अगर आयुष दुबे जी की बातें सुनूं कि भाई मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √5, मुझे नहीं दिख रहा है कि इससे √5 भागेगा। कैसे भागेगा? √5 का मल्टीप्लीकेशन दोनों में होगा ना, तो ये हो जाएगा √2 + 5। यहां से तो आपने भगा दिया, यहां पे लेके आ गए, तो गया कहां ये? आप में से किसी ने कहा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 + √5 किसी ने कहा, तो भी नहीं भागेगा। आप देख लो, सर -√5 से क्या तो होगा? हेलो हेलो हेलो, अगर आप ये यूज करते हो कोई भी जो बोलते हैं तो आप देखोगे तो डिनोमिनेटर में a + b द होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब a + b द होल स्क्वायर हो गया, तो उसमें कैसे भागेगा रूट आपका? क्योंकि a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला में आप घर पे कम से कम ये सब ना रफली चेक करना, वो हो जाएगा a² + 2ab + b² तो उसमें आपका 2ab टर्म में वापस रूट नहीं गया। तो इसलिए रूल क्या बोलता है, सिंपल रूल बोलता है, जो चेतना बोल रही थी, वैष्णवी ने मैसेज किया, मुझे दिखा कम से कम दो लोगों का, आपको ये सिखाया गया था स्टूडेंट, जो भी रूट साइन है, रूट वाला टर्म है, उसका जो साइन है, जो भी साइन है उसका अपोजिट साइन लो एंड देन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो। जो भी ये टर्म है उसके साइन का अपोजिट साइन, प्लस है तो माइनस लूंगा, और अगर यहां माइनस होता तो मैं प्लस लेता। रीजन क्या है इसके वजह से, देखो आपको यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, आपको फॉर्मूला मिलेगा a + b × a - b एंड दैट विल बी a² - b² याद है किसी को कि नहीं?
यस सर। और ऐसे सिचुएशन में आपका रूट भागेगा क्योंकि हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना रहता है। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। हाँ बहुत अजीब रहा है आज, मतलब फर्स्ट डे, टाइम तो ऐसे चला गया मालूम नहीं पड़ा, बट बहुत अजीब रहा। मतलब प्लीज थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ाना एंड क्वेश्चंस पूछना। ये समझ में आ रहा है? फर्स्ट डे के बेसिस पे बहुत अच्छा जज नहीं कर सकते कि कौन क्या है, बहुत लोग शायद नहीं बोल पा रहे हैं, बट धीरे धीरे फ्रीली बात करना एंड क्वेश्चंस पूछना ये बहुत जरूरी है, ठीक है? आज के लिए मैं इतना ही स्टॉप करता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए प्लस आई बी, आवर कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए प्लस आई बी इन विच ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड आई इज अ स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन। इफ बी इज जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए, दैट मीन्स प्योरली रियल। इफ ए इज जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर इज आई बी, इट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी। एंड इफ बोथ आर जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर इज जीरो। हमने आज सिर्फ इतना ही पढ़ा, ठीक? यस। इसलिए आज के बेसिस पे कोई होमवर्क नहीं, नेक्स्ट लेक्चर के बेसिस पे होमवर्क मिलेंगे, ठीक है? यस सर। मेहनत तो लगेगी। अच्छा मुझे आज वापस एक पॉइंट पूछना है आप में से कोई किसी को। ये जो टाइमिंग है, मैंने कल आपसे बात किया था कि नेक्स्ट 15 डेज के लिए हम ये टाइमिंग रखेंगे 4 to 5, 5:30 to 6:30। तो इसमें किसी को ऑब्जेक्शन है? No sir. 4 to 5, 5:30 to 6:30। तो फिर इस टाइमिंग को हम लोग नेक्स्ट सिर्फ लेट, देखो वैसे भी 21st को एग्जाम है, उससे एक दो दिन पहले मैं आपका लेक्चर नहीं रखूंगा। दो तीन दिन तो आपको पूरा फ्री टाइम दूंगा कि आप पूरी तरह से सीटी क्लियर कर जाओ। तो मुश्किल से 10-12 दिन आपको और मैनेज करना है। आज 6 तारीख हो गए, करेक्ट? तो 10-12 दिन और संभाल लो। 6 तारीख हो गए तो 10-12 दिन कितना संभालना, कितना दिन संभालना? 15 में से 3 दिन गए तो ठीक है, हाँ 12 दिन, 12 डेज आपको मैनेज करना है। अकॉर्डिंगली पूरा उसके बाद शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है? एक गड़बड़ और हो रही है ना, अगर आपके 10th के क्लासेस का टाइमिंग भी रैंडमली डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है तो भी गड़बड़ है। उनका अगर चेंज होता रहेगा तो फिर हमारे लिए फिक्स करना मुश्किल हो जाता है। तो 10-12 डेज मैनेज करते हैं अकॉर्डिंगली, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, ठीक? यस सर। चलो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स, बाय बाय। यस सर, थैंक यू सर।